हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि बहुत ही इजी, अमेजिंग और कोई भी कर सकता है ऐसा एक माइंड रीडिंग मैजिक, यानी कि किसी का भी आप माइंड पढ़ सकते हैं, वो भी दो कार्ड के माध्यम से। तो कैसे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, तभी आपको सीखने को मौका मिलेगा। सो फाइनली गाइस, आज हमारे साथ है मीनाज। तो मीनाज बहुत बहुत स्वागत है तुम्हें। सो आज एक बहुत ही अच्छा माइंड रीडिंग मैजिक दिखाएंगे। अगर तुम मेरे मैजिक को बता सकते हो यानी कि पकड़ सकते हो तो ये पार्स तुम्हारा होगा। सो ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सबके सामने मैं कह रहा हूँ, अगर एक भी तुमने एक बार भी सही बोला तो ये पूरा पार्स जितने भी पैसा है जो भी है सब तुम्हारा। ओके, सो फाइनली सबसे पहले बताते हैं कि मैजिक क्या होने वाला है। सो फाइनली मेरे पास टू कार्ड्स है। ओके, टू कार्ड्स है और इसमें से देखो एक जोकर है। yes. और एक क्या है, किंग। किंग किंग और जोकर। अब इन दोनों कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा। ओके, सो अभी नहीं, अभी इन दोनों कार्ड को मैं नीचे लेके जाता हूँ। okay. और तुम एक काम करो, ये कार्ड मैंने यहाँ पर रखा। okay. अब बताओ मेरे हाथ में कौन सा कार्ड है। मेरे हाथ में कौन सा कार्ड है बताओ। जोकर। जोकर, देखो चेंज कर सकते हो माइंड। जोकर। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज किंग कार्ड। ओके, सो फर्स्ट टाइम, चलो कोई दिक्कत नहीं, तीन बार तुम्हें चांस मिलेगा, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ। अब देखो मैं तुम्हें सेकंड चांस देता हूँ, ठीक है। ये दो कार्ड है, इस कार्ड को मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक रुमाल दे दो मुझे। सो रुमाल आ चुका है। सो रुमाल किस लिए मंगाया मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई सोच सकते कि मैं नीचे हाथ लेके जा रहा हूँ तो नीचे बहुत सारा कार्ड होगा, मैं चेंज कर रहा हूँ। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ो हाथ हटाओ। यहाँ पर दो कार्ड है, क्या क्या है, एक जोकर कार्ड और एक किंग कार्ड। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे रख देता हूँ, इसमें से किसी भी एक कार्ड को मैं बाहर करके रख देता हूँ। ओके, मैं एक कार्ड बाहर करके रख दिया। अब यहाँ पर एक ही कार्ड है, ठीक है। अब बताओ इसके नीचे कौन सा कार्ड है, जोकर है या किंग है। किंग। देखो हाथ मत डालो, आप पहले बताओ फिर दिखाऊंगा। किंग। किंग, देख लो मैं निकालने जा रहा हूँ, आखिर टाइम बोल सकते हो। जोकर। नहीं तुम बोलो मुझे, मैं क्यों बताऊँ जोकर है या किंग है, तुम बताओ, आखिर चांस, लास्ट चांस है तुम्हारा। किंग। ओके, नो प्रॉब्लम, खुद ही देख लो, दिस इज जोकर। सो ये जोकर आ गया। चलो और एक बार टाइम तुम्हें मिलेगा, और एक चांस मिलेगा। अभी ये मेरे पास दो चांस हो गया है, और एक चांस तुम्हें देंगे, ठीक है। अभी ये दो कार्ड है, किंग और जोकर, जोकर और किंग। ओके, सो अभी हम इसको मिक्स करते हैं और आखिर में, आखिर में ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक कार्ड, चलो इसी कार्ड को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। आप बोलो इसके नीचे कौन सा कार्ड है। जोकर। देख लो। हाँ, ये जोकर हो सकता है, मुझे जोकर हो सकता है, मेरे हिसाब से दिखा दूं मैं। ये देख लो, दिस इज किंग कार्ड। सो गाइज फाइनली बहुत ही अमेजिंग और कूल मैजिक ट्रिक्स है। तो हुआ नहीं, तो क्या करना है, क्या करोगे। So, अभी तो तुम हार गए। सो फाइनली ये पार्स तुम्हारा नहीं हुआ, ये मेरा है, बहुत सारा पैसा है। चलो अभी अगर एक बार भी सही बोल देते तो ये पार्स तुम्हारा हो जाता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, अब इस ट्रिक को सिखाते हैं। सो फाइनली इस मैजिक को करने के लिए मीनाज तुम्हें चाहिए चार कार्ड, यानी कि फोर कार्ड, जस्ट 1 2 3 4। ओके, सो कोई भी फोर कार्ड तुम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से तुम्हें और एक चीज चाहिए, जो कि डबल साइड टेप या ग्लू भी यूज कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले देख लो, जैसे कि मैं इन दोनों को लेकर मैजिक दिखाऊंगा। okay. तो करना क्या है, तुम्हें किसी भी दो कार्ड को यहाँ पर ग्लू लगाना है या ये साइड में ग्लू लगाना है और इसको ऐसे चिपकाना है। ओके, सो यानी कि इसका डबल साइड ब्लैंक होगा। ओके okay. और इसका क्या करना है, इसके पीछे में ग्लू लगाना है, इसके पीछे भी ग्लू लगा सकते हो और इसके साथ इसका ऐसे करना है। तो ये क्या है, डबल साइड कार्ड बन गया, मतलब इधर क्वीन और इधर जैक, और इधर क्या होगा, इधर भी ब्लैंक साइड और इधर भी बैक साइड, मतलब दोनों साइड बैक रहेगा इसका, दोनों साइड पत्ते रहेंगे। जैसे कि मेरा था, मैं जैसे कि तुम्हें दिखा रहा था, जैसे कि ये था जोकर, yes. इधर किंग, अभी पता चला ना इसका राज, और दोनों साइड में इसका ब्लैंक। तो क्या हो रहा था, मैं दिखा दूं मैजिक एक बार, मैं कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखा रहा था कि देखो, जल्दी में दिखाने से तुम्हें पता नहीं चल रहा था कि देखो मेरे पास दो कार्ड है, ऐसे जल्दी स्पीड में मैं घुमा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि एक कार्ड के पीछे दो कार्ड लगा हुआ है और ये दो ब्लैंक है। ओके, तो इसका एक मूव भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने इस तरीके से दिखाया था, आपको याद होगा कि ये किंग है और नीचे का कार्ड
जोकर है। सो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, इसका एक मूव होता है कि ये किंग और ये कार्ड है जोकर। सो देखने में लगता है कि ये बिल्कुल अलग अलग कार्ड है, इसका दिखाने का तरीका होता है। सो ये आपको कैसे करना पड़ता है, सबसे पहले जिस कार्ड को आप दिखाना चाहते हैं उसको टॉप में रखिए और जिस जो बिल्कुल दोनों साइड ब्लैंक है उसको नीचे रखिए और कुछ इस तरीके से पकड़ने के बाद पहले आप इस तरीके से दिखा दीजिए कि ये किंग है और जब उल्टा करते हैं तो स्पीड में आपको जो करना है वो है थंब होता है, थंब के माध्यम से आपको इसको इस तरीके से धक्का देना है और ऐसे आपको उल्टा करके दिखाना है ताकि लोगों को लगे कि दोनों कार्ड अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि ये किंग है और ये जोकर है, ठीक है, ये जोकर और ये किंग। सो ऐसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप सबके सामने अच्छे तरीके से दिखा सकें। सो ये बहुत बड़ा एक मूव होता है और एक मूव ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये किंग है और ये जोकर कार्ड है। ओके, स्पीड में दिखाने से किसी को पता ही नहीं चलता कि दोनों कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है और दोनों कार्ड सेम है। सो फाइनल इमेज ऐसे दिखाने के बाद मैंने क्या किया ना, इस तरीके से रखा और दोनों कार्ड को नीचे ले जाने के बाद मैंने इसी इस कार्ड को ऊपर रखा और इस कार्ड को ऐसे हाथ में रखा। तो जैसे कि तुम जब कह रहे हो तो कि जोकर है नीचे हाथ में, तो मैं चेंज करके ऐसे दिखा रहा था कि देखो ये जोकर नहीं है, किंग है। और अगर किंग हो रहा था तो तुम जब बोल रहे थे कि किंग है तब मैं इसको उल्टा करके जोकर दिखा रहा था, जैसे कि मैं रुमाल के नीचे दिखा रहा था। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, सोच लो यहाँ पर दो है, रुमाल मैंने ऑफ कर दी, अब इस कार्ड को मैं बाहर करके रख रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जोकर है, मुझे भी पता है क्या जोकर है। अब तुम्हें पूछ रहा था क्या हो इसके अंदर, बताओ, तुम बोलो जोकर, तुम बोलो जोकर, बोलो जोकर। देख लो, तुम अगर माइंड चेंज नहीं करते हो तो मैं क्या करता हूँ, हार्ट डाल के इस कार्ड को उल्टा करके दिखाता हूँ कि किंग है। और अगर तुम कहते हो कि कहो जोकर, कहो देखा, कहो किंग, किंग किंग बिल्कुल किंग है, देखो तो देखो ये किंग नहीं, ये जोकर है, तब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस मैजिक को बहुत सारे तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। कैसा लगा मैजिक?